आपके सामने प्रस्तुत हुआ आशीष यादव और लेकर के आया हूँ इतिहास का एक बड़ा एपिसोड जो कि अब क्रमवार चलने वाला है। और एक काफ़ी समय पश्चात हम इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं क्योंकि कोरोना के चलते हुए हम यहाँ पर शूट नहीं कर पा रहे थे, ना कोई क्लास ले पा रहे थे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कोई एग्ज़ाम भी नहीं हुआ इसके समय के बीच में। लेकिन हम अब जो आने वाला है एग्ज़ाम, जैसे कि RRB या रेलवे के कराने वाले हैं एग्ज़ाम, जिसकी डेट भी आ चुकी है, और साथ ही साथ जेल वार्डर। जेल वार्डर एक ये क्या है, वनडे एग्ज़ाम है। तो वनडे एग्ज़ाम के तौर पर अगर देखा जाए तो हम लोग इसकी बेहतर मतलब की क्लास देंगे। जैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं सटीक वही क्वेश्चन देंगे, ज़्यादा इसको लफा करके या बड़ा नहीं पढ़ाएंगे जिससे कि आप पूरी महसूस करें। हालांकि वो PCS अलग होता है कि PCS में एक विस्तार देना पड़ता है, लेकिन इसमें विस्तार की इतनी आवश्यकता नहीं है। बस उसमें पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ाएंगे और वही पढ़ाएंगे जो पूछा जाता है, तो ज़्यादा उसमें ज़्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है, उतना ही पढ़ाना है जितना मतलब आता है। तो जैसे कि मैंने लिख दिया है यहाँ पर थोड़ा बहुत जानकारी के लिए कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो आज से मध्य इतिहास स्टार्ट होने वाली है। मध्य इतिहास का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इतिहास का मध्य बिंदु से मैं उठाने वाला हूँ। प्राचीन इसलिए नहीं उठा रहा क्योंकि प्राचीन इतना ज़्यादा पूछी नहीं जाती, इसमें RRB हो या फिर वनडे एग्जामों में प्राचीन इतना ज़्यादा नहीं पूछी जाती। प्राचीन का सबसे ज़्यादा पूछने का होता है PCS लेवल में पूछा जाता है, वहाँ पर ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वहाँ क्वेश्चन प्राचीन में आते हैं। लेकिन मध्य एवं आधुनिक से सबसे ज़्यादा वनडे एग्जामों में आते हैं। तो हम RRB एवं वनडे एग्जामों को देखते हुए यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि हम उसको कंप्लीट नहीं कराएंगे, तो उसको भी कंप्लीट कराएंगे। बस हमारा साथ आप दीजिए और उसको जितना भी ज़्यादा हो सके तो शेयर करते जाइएगा। और हाँ, अच्छा लगे और उम्मीद हो कि इसको अगर हम अच्छा हम पढ़ा सकते हैं, आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और रोज़ इसी तरीके की एक क्लास हमसे लेते जाएं। साथ ही साथ में हिंदी का भी मतलब स्टार्ट कर दूंगा। हिंदी अगर आपकी वीक है तो हिंदी मैं आपकी मजबूत बना दूंगा। हिंदी के वो तथ्यों को बताऊंगा जो एक बेसिक है। बेसिक चीज़ ही पढ़ना सबसे बड़ी बात होती है। अगर आपने बेसिक पढ़ लिया तो समझ लीजिएगा कभी भूलने वाला नहीं है, आप बचपन से बुढ़ापे तक वो चीज़ याद रखेंगे अगर आपने बेसिक पढ़ लिया। फैक्ट्स अगर पढ़ते हैं, जैसे कि ये थोड़े थोड़े लिखे, इनमें क्या होता है कि अगर आपने पढ़ा और 2-3 महीने का अगर जैसे गैप लगा तो वो भूल जाता है। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए कि आप फैक्ट्स में तो ध्यान रखिए क्योंकि वो एक पॉइंट मतलब एग्जाम का पॉइंट है। लेकिन आप अगर एक कहानी के रूप में पढ़ते हैं किसी चीज़ को, तो उसमें क्या होता है आपको कि याद रहता है, बाई चांस कभी वो आ जाता है पॉइंट आपके सामने, तो वो पूरी कहानी आपके माइंड में घूमने लगती है। इस हिसाब से मैं कहता हूँ आपको बेस पढ़ना आवश्यक है। देखिए मैंने पॉइंट तो लिखा है, लेकिन इसमें आपको मैंने बेस बताऊंगा। अब बेस किस प्रकार में बताऊंगा कि आपको लगेगा कि कहानी का रूप दे दिया हूँ और कहानी में आपको मज़ा भी आएगा। तो मेरे साथ बने रहिए, बोरियत मत महसूस होने दीजिएगा। और मेरा अगर मतलब कि तजुर्बा कहता है कि मैं आपको माइंड को आकर्षित करूँगा, बोर तो नहीं होने दूंगा। और आप बस अपना मोबाइल या फोन खुला रखिएगा, पढ़ते जाइएगा। तो देखिए मैंने मध्य इतिहास का स्टार्टिंग पॉइंट लिया है। मध्य इतिहास कहाँ से स्टार्ट होती है, तो मध्य इतिहास हमारे यहाँ जैसे कि मुस्लिम धर्म के लोग, तुर्की अफगानी लोग आने लगते हैं, तो वहाँ से मध्य इतिहास की स्टार्टिंग की जाती है। प्राचीन इतिहास की बात करें, प्राचीन इतिहास में होता यह है कि हम हड़प्पा सभ्यता से उठाते हैं। सबसे प्राचीन हड़प्पा सभ्यता, वहाँ से आते आते वैदिक काल, उत्तर वैदिक, फिर धीरे धीरे राजाओं का वंश आता है, 16 महाजनपदों का विवरण आता है, प्राचीन की बात कर रहा हूँ। तो 16 महाजनपद के बाद फिर उसमें जितने भी राजा होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त सम्राट वगैरह काफी शासक रहे, उन राजाओं से आता आता कहाँ तक खत्म हो जाता है, इस 712 के यहाँ पर इसका समाप्ति हो जाती है। काफी राइटरों ने माना कि हमारा जो इतिहास है मध्य यहीं से आता है, क्योंकि यहाँ से एक नए धर्म की नए मतलब कि लोगों की मतलब आने लगते हैं अपने भारत में। और इससे पहले जो आते रहे हैं तो कुछ गए हैं, भाग गए हैं, ये भी आए हैं, ये भी भाग गए, लेकिन यहाँ से मुस्लिम धर्म की बहुतायत मतलब होने लगती है। और एक चीज बताऊं कि भारत में आने का एक सुगम रास्ता है जम्मू कश्मीर से दर्रे हैं, बहुत सारे दर्रे हैं जो कि पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। तो ये देखिए, यूरोप के लोग हों या फिर वहाँ अफगान के क्षेत्र के लोग हों,
उन लोगों का रास्ता वहां से दर्रे से बन जाता। तो अधिकतर जो लोग आते रहे हैं तो जम्मू कश्मीर एवं गुजरात से आते रहे हैं। काफी ऐसे शासक रहे जो चारागाह की खोज करते करते भी आ गए। तो सबसे ज्यादा आक्रमण कहाँ होते हैं, ये एक मेन पॉइंट वाली बात है कि जम्मू कश्मीर में होगा सबसे पहले और दूसरी बात गुजरात में, अधिकतर आक्रमण यही होते रहे। तीसरा रास्ता इसलिए नहीं बनता रहा क्योंकि नीचे जो है हमारा दक्षिण क्षेत्र में पूरा समुद्री इलाका है, तो वहां से नाव या फिर बोट लेकर के आना बड़ा इम्पॉसिबल होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो नीचे से आना बिल्कुल दुर्गम रास्ता है, सुगम रास्ता यहाँ से बन जाता है। और ये दर्रे कहाँ से बनते हैं, दर्रे आपने पढ़े होंगे भूगोल में, तो देखिए एक वर्षों पुराने से चली आ रही परंपरा में कई नदियां बहती रही होंगी, धीरे धीरे काट काट के पहाड़ को काटते काटते उसमें एक नया रास्ता बना देते हैं और धीरे धीरे वो करके कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई नदियां। तो एक दर्रे के रूप में बड़ी सी जगह है, एक पास जिसको कहते हैं, तो वो जगह बना देती है, तो उसमें काफी बड़ा लंबा रास्ता बन जाता है। तो उस रास्ते से ये लोग आ जाते थे, कहाँ पर भारत में आ जाते थे, और आने के पश्चात यहाँ पर आक्रमण करते थे। और आक्रमण करने का उद्देश्य क्या रहता था, यहाँ पर लूट मार करना, यहाँ की धन संपत्ति को ले जाना, ये उनका उद्देश्य रहता था। अधिकतर अफगानियों का यही उद्देश्य रहा और तुर्की लोगों का यही उद्देश्य रहा, जैसे मैं बताऊंगा। फिर इसके पश्चात कुछ ऐसे शासक आते हैं जो यहाँ पर शासन किए। अब देखिए मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सल्तनत काल और दिल्ली पर जितना भी शासन हुआ उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि भारत में मुस्लिम जो शासक था सबसे पहले किसने आक्रमण किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो आया था सबसे पहले भारत में आक्रमण करने वाला मतलब शासक था। देखिए इसने कब किया था, 712 ईस्वी में किया था, ईसा पूर्व में नहीं किया था। एक ज्ञान की और बात बता दूं, बीसी एवं एसी में क्या अंतर है, बीसी किसे कहते हैं, ईसा पूर्व को कहते हैं, मतलब बीसी ईसा पूर्व को कहते हैं, एसी किसे कहते हैं, ईस्वी को कहते हैं। तो उसमें अंतर क्या होता है, जैसे कि लिख दिया गया 1500 बीसी में हड़प्पा काल सभ्यता मतलब उद्भव हुआ था, वैदिक काल सभ्यता का उद्भव हुआ था। उसमें क्या है कि 1500 का मतलब क्या निकलता है बीसी में, देखिए हम चल रहे हैं 19 मतलब 21वीं सदी में जो चल रहे हैं हम, तो उसमें हम क्या लिखते हैं 2019-20 लिखते हैं, उसी हिसाब से वो क्या चल रहा था 1500। तो देखिए 1500 से उतरता हुआ क्रम आएगा, 15, 14, 13, 12 फिर करके 1000 फिर 500 फिर कितना 400, कुल मिलाकर के एक उतरता हुआ क्रम आएगा, एक बिंदु में ठहर जाएगा, एक बिंदु से फिर यहाँ से गिनती चलती है 1, 2, 3, 4 फिर 100, 200, 300, 1400, 1500, 2000, कुल मिलाकर 1500 यहाँ आया और फिर ये 2000 यहाँ मिला गया। तो कुल मिलाकर अगर हम वैदिक काल की बात करें कि कितने साल पुराना हो गया, 3500 साल पुराना हो गया, मतलब वैदिक काल, इस हिसाब से जोड़कर निकाला जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बीसी मतलब उल्टा क्रम होता है, घबराइएगा नहीं, ठीक है। इसके बारे में सुनिए, ईस्वी है तो 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था, किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने, और आकर के कहां पर आक्रमण कर दिया था, सिंध प्रांत में किया था। मैंने बताया भारत के 16 महाजनपद कौन कौन थे, 16 महाजनपद, एक सिंधु था, सिंध जिसे कहते हैं, सिंध कहां पड़ता है, जहां पर सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी कहां पर बहती है, ये आपको भूगोल के जरिए पता होना चाहिए कि ये सिंधु सिंध जम्मू कश्मीर में पड़ता है। देखिए उस समय का सिंध जो प्रांत था तो आपके डेट में वो जम्मू कश्मीर में चेंज हो चुका है, आप तो देखिए दो भागों में टूट चुका है उपराज्यों में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सिंध जो जम्मू कश्मीर में पड़ता था वहां पर इसने सबसे पहले आक्रमण किया और वहां पर क्या किया, वहां विजित हो चुका मतलब जीत भी लिया, वहां पर वहां के राजा को जीत लिया। और उस समय जो वहां का राजा था कौन था, दाहिर नाम का एक शासक था, शासन किया करता था, वहां पर उसको मार दिया और वहां पर शासन कर लिया। और शासन करने के पश्चात वहां का छोटा जनपद मतलब की मुल्तान एवं सिंध को विजय मतलब की कर लिया, जीत लिया, वहां पर शासन करने लगा, लूट मारी, भड़कम मचा दी। इतना करने के पश्चात वहां से वो चला भी जाता है, जाने के बाद यहाँ कुछ राजाओं से और भी टक्कर हो जाती है, मतलब वो सफल नहीं रहता, इसलिए वो निकल जाता है। आगे देखिए मैं आगे बात करूँ सबसे मेन पॉइंट की, कि सबसे ज्यादा पूछने जाने वाला कौन है, गजनवी। सबसे ज्यादा एनटीपीसी एवं आरआरबी में पूछे जाने वाला ये एक सबसे ज्यादा फैक्ट यहाँ से आता है। तो देखिए इसका शासनकाल भारत में कितना था ये इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए 1001 से 1027 तक यहाँ पर क्या किया है, आक्रमण किया, कितने बार किया है, 17 बार रिकॉर्ड है कि 17 बार
महमूद गजनवी ने 17 बार भारत में आक्रमण किया। किसने? गजनवी ने। ये एक रिकॉर्ड एवं फैक्ट भी है कि 17 बार भारत में आक्रमण करता है। और ये किसका पुत्र था? ये सुबुक्तगीन जो था ये अरब देश का जो था ये भी उस शासक था उसका पुत्र था ये सुबुक्तगीन। और इसके भी बात करूँ मोहम्मद बिन कासिम ये भी अरबी ही था। सबसे पहले अरबी जो आया था अरब देश से आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, ये भी अरब से। तो ये जो गजनी था गजनवी ये सुबुक्तगीन का पुत्र था। और ये जो बना था सबसे पहले 998 ईस्वी में गजनी शासक गजनी सम्राट का शासक बना था। कौन? मोहम्मद गजनवी जो है कब बना था? 998 में गजनी सम्राट का शासक बना था। इसके पश्चात इसके मन में कीड़े बुलबुलाने लगे कि मुझे भी कुछ करना है, धन बटोरना है। तो सबसे ज्यादा भारत की सोने की चिड़िया विख्यात इन्हीं लोगों ने किया था कि वहाँ की सोने की चिड़िया, वहाँ बहुत ज्यादा धन संपत्ति है। तो कुछ नहीं, सीधा उठाया डेरा डेंगर उठा करके भारत में आ गए। वो आने लगे कि यहाँ से कुछ लूटपा कर लेंगे। इस उद्देश्य से ये भारत पर आ चुका था और इसने आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। तो 1001 में इसने पहला आक्रमण कर दिया। 1001 में भारत में सबसे पहले आक्रमण, मतलब कि इसने आक्रमण किया 1001 में। उतना ज्यादा खतरनाक नहीं था फिलहाल, और इससे भी ज्यादा खतरनाक आक्रमण जिसमें क्या किया था, सबसे ज्यादा आक्रमण इसने जब किया था कौन से सन में? 1025 में। 1025 में इसने इतना खतरनाक आक्रमण किया था जिसमें धन जन और बहुत सारा हानि हुई थी, बहुत लोग मारे गए थे। सोमनाथ मंदिर में, गुजरात में पड़ता है, देखिए मैंने लिखा है गुजरात में सोमनाथ का मंदिर है, आज भी स्थित है सोमनाथ मंदिर। तो वहां पर इसने आक्रमण किया था, वहां पर शिव जी की मूर्ति है, वहां पर अनेक मतलब कि सोने की छत्र चढ़ी हुई थी और काफी धन संपत्ति थी, पूरा उसने जीत लिया था। साथ ही साथ वहाँ की जो कन्याएं थी मतलब कि महिलाएं थी उनको भी उठाकर ले गया था। ऐसा मतलब कि ये गजनवी था, तो उनके वो कम उठाता था, उसके सैनिक चेला चपाटी थी वो उठा के भग जाते थे। तो वो कुल मिला करके ले गए उनको अपने साम्राज्य में ही लेवा चले गए थे यहाँ के लोगों को। ये उनका उद्देश्य भी था कि यहाँ लूट मार करना। और ये आक्रमण उसके लिए बहुत ज्यादा घातक भारत के लिए माना जाता है, संपत्ति हीन हो जाती है। अब देखिए ये जो लास्ट था 1027 में जो था सबसे लास्ट का आक्रमण था, किसके विरुद्ध था? तो देखिए माना जाता है कि ये जब जा रहा था अपने देश को लौट करके यहाँ से लूट करके, काफी 17 बार आक्रमण किया, कुछ असफल रहे सफल रहे। तो देखिए इसमें ये जा रहा था 1027 में अपने देश को, तो बीच में जाट संप्रदाय मतलब जाट लोग थे। जाट कौन थे? ये सिख धर्म के लोग जो माने जाते हैं ये जाट थे। इन्होंने इस पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वहाँ कुछ राइटर लिखते हैं कि नहीं इसने वहाँ पर फतवा जारी किया था, मतलब इसने वहाँ पर क्या किया, आक्रमण किया था। बसाते ऐसा नहीं था, ये वहाँ जा रहा था तो बीच में जाटों ने इसको लूटने के लिए वहाँ पर आक्रमण कर दिया था, और जाने के पश्चात वहाँ पर लूट मार उसकी कर ली गई। और ये अपने देश में जब गया तो 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है, 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है और गजनवी सम्राट का यहाँ से इतिहास खत्म हो जाता है। फिर इसके पश्चात इसी के राज्य में एक ऐसा दीपक जगमगाता है जिससे धीरे 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 उभरने लगता है, जिसका नाम आपने सुना होगा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी एक ऐसा शासक था, ये कल्पना भी करता था और साथ में ये अपने आप पर विश्वास भी रखता था कि मैं एक समय बहुत बड़ा राजा बनूंगा। और ये कुल मिलाकर के ऐसा राजा था कि स्टार्टिंग में ही इसने बचपन में ये कबीला का सरदार जो होता था तो सरदार का पुत्र था, और गजनवी के ही साम्राज्य का एक छोटा कबीला था तो वहाँ पर ये रहा करता था। ये धीरे धीरे छोटा था, छोटे में ही एक शेर के जबड़े को पकड़ के फाड़ दिया था। और जब फाड़ दिया इसने तो वहाँ के लोगों ने इसको मतलब शेर शेर करने लगा कि ये राजा बनेगा, तो उसको और अंदर से मतलब कि भर दिया कि राजा बनेगा, तो उसका दिमाग खराब हो गया। फिर वहाँ से पंचर होकर डायरेक्ट आ गया भारत में। तो वहाँ का सम्राट बनने के पश्चात, गौरी सम्राट का शासक बनने के पश्चात तुरंत आ गया भारत में आक्रमण करने के लिए। इसने भी प्रयास करना स्टार्ट कर दिया भारत में। अब देखिए इसका प्रयास क्या होता है, ये देखिए मोहम्मद गौरी का पहला जो आक्रमण होता है तो स्टार्ट वहीं से करता है जहाँ इसके दादा आए थे। दादा का मतलब जहाँ से मतलब गौरी आया, ये मोहम्मद बिन कासिम आया था। तो इसने 1175 में पहला आक्रमण भारत के विरुद्ध कर दिया था। अब भारत में एक राष्ट्रपति तो है उस समय था नहीं, अलग अलग राजा थे,
तो जो टकरा गया, जहां से आक्रमण किया सबसे पहले वहीं का राजा टकरा गया। तो मुल्तान एवं सिंध एक ही है, तो वहीं पर सबसे पहले आक्रमण कर दिया और मुल्तान को हथिया लिया, मुल्तान को जीत लिया उसने। सिंध का मुल्तान और सिंध भी काफी क्षेत्र में उसने जीत लिया और अपने आप को वाह वाह करने लगा कि नहीं मैं बहुत बड़ा शासक बन गया, यहाँ जीत लिया, भारत के सोने की चिड़िया में एक पंख काट दिए। आगे देखिए, दूसरा आक्रमण करने के लिए ये निकला गुजरात में। गुजरात में भी जब आक्रमण करने लगा उस समय वहाँ के मूल राज सेकंड, वहाँ पर राजा थे मूल राज सेकंड, इसने इतनी भयंकर धुलाई कर दी, इसकी इतनी भयंकर धुलाई कर दी कि इसकी चिंगा गया और साथ में फुर वहाँ से भगा, वहाँ से भगकर के सीधे अपने देश को ही रफू चक्कर हो गया। इतना तेज मतलब मारा इसको, ये भाग गया अपने देश को, भाग गया। और भागने के पश्चात फिर क्या होता है कि वापसी फिर आता है, कब आता है ये दोबारा आता है 1191 में, ये फिर हुमस करता है कि मैं युद्ध करूंगा भारत के साथ, भारत में। तो ये दोबारा तिबारा युद्ध करने के लिए तैयार रहते रहे। तो देखिए 1191 में आपने फेमस युद्ध का नाम सुना होगा, तराइन का प्रथम युद्ध, बैटल ऑफ तराइन। तो ये जो युद्ध था, तो ये प्रथम युद्ध था, इसमें क्या होता है पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना है, जो कि लास्ट हिंदू था, शासक था, माना जाता है इतिहासकारों के मतलब की अवलोकन से कि सबसे लास्ट हिंदू जो शासक था भारत का, वो लास्ट पृथ्वीराज चौहान ही था, जो कि एक क्षत्रिय वंश था। तो ये लास्ट शासक था, इसके पश्चात कोई नहीं रहा, फिर ये मुसलमानों का ही इसमें आता चला आया है। आगे देखिए तराइन का प्रथम युद्ध में क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान की भारी सेना थी, मतलब कि लाखों में इसकी सेना पैदल थी और 50,000 इसकी सेना मतलब घोड़ा वाली थी और हाथियों वाली भी 20,000 थी। कुल मिला के गौरी की हवा खिसकाने के लिए काफी था। तो इतना भयंकर युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ, कुछ राजाओं ने भी इसकी सहायता कर दी है कि कोई विदेशी हमारे यहाँ आक्रमण कर रहा है, इसको भगाने के लिए आपस में सम्मिलित हो गए, इसको मारकर पाथा कर दिया। तो कुल मिलाकर के ये भग गया, ये भी भग गया। फिर इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि यार, 2-4-6 महीने इसको बीतने के पश्चात वहां सोचता रहा कि मैं भारत को कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन होता क्या है कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद गढ़वाल, जो कन्नौज का एक शासक हुआ करता था, गढ़वाल वंश वहां जब स्थापित था, गढ़वाल वंश का शासक जयचंद जिसका नाम सुना है, उस समय उसने पार्टी दी थी। पार्टी क्या दी थी कि वहां पर सभी राजाओं को बुलाया गया था इसकी जीत के उपलक्ष्य में, कि हम सब लोगों ने सहायता करके उसको भगा दिया, तो उसको मतलब पार्टी दी गई। पार्टी दी गई तो पृथ्वीराज चौहान भी आया था, और ये दिल्ली का सर्वश्रेष्ठ शासक था, सबसे बड़ा शासक था, इसलिए उसका चलता भी था। तो जब आया तो जयचंद की जो बहन थी वो बहुत सुंदर थी, और सुंदर होने की वजह से पृथ्वीराज चौहान वहाँ पर उससे मोहित हो गया, कुल मिलाकर के वहाँ पर प्रेम हो गया उसको। और जब प्रेम हो गया तो वो क्षत्रिय वंश, ये गढ़वाल वंश, तो शायद इनकी मैचिंग नहीं हो पा रही थी। तो इस ये पृथ्वीराज चौहान ये चीज को सोचता था कि शादी के लिए जयचंद तैयार नहीं होगा, इसलिए क्या करूं इसको भगा ले चलूं। तो क्या किया इसने, भगा लिया। पृथ्वीराज चौहान का विनाश यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि जयचंद की बहन को इसने भगा करके ले गया और शादी कर ली अपने दिल्ली में जाकर के। इससे क्या होता है कि जयचंद गुस्सा हो गया, साथ साथ दुश्मन मानने लगा पृथ्वीराज चौहान को, और उसको सपोर्ट की जगह उसने अनसपोर्ट कर दिया। अनसपोर्ट का मतलब उसने क्या किया कि सबसे पहले पत्र लिखा किसको, गौरी को, मोहम्मद गौरी को पत्र लिखा कि आओ मेरे भाई, अब आ करके खूब युद्ध करो, कोई भी शासक पृथ्वीराज चौहान के साथ नहीं खड़ा होगा, जहाँ तक कि मैं तो खड़ा ही नहीं हूँगा, साथ ही साथ आपके ही हेल्प करूंगा, तो आइए युद्ध करिए। निमंत्रण दिया गया था यहाँ से जयचंद्र के द्वारा। तो क्या है, मोहम्मद गौरी को जब यहाँ पकौड़े मिलेंगे तो भागेगा नहीं वहां से, आकर के पकौड़े खाने हैं भारत के, तो फटाक से क्या करता है वो वहां से चल लेता है अपनी सेना लेकर के, वो आता है और दूसरा युद्ध हो जाता है तुरंत, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन क्या है, तराइन का मैंने अभी बताया नहीं, तराइन का दिल्ली क्षेत्र में इसका स्थान पड़ता है तराइन, तराइन जो है तो ये एक स्थान का नाम है। तो वहां पर द्वितीय युद्ध छिड़ जाता है, भीषण युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होने लगता है, वहां पर मारकाट भयंकर हुई। लेकिन जयचंद क्या करता है, पीछे से धोखा दे देता है कि विश्वास तो करते हैं कि हमारे साथ फिर दोबारा लड़ेंगे, सब लोग मिलेंगे, लेकिन कोई भी राजा वहां पर जुर्म नहीं आता, और साथ ही साथ पृथ्वीराज चौहान वहां पराजित हो जाता है, बंदी बना लिया जाता है, और बंदी बना करके दिल्ली में गौरी का कब्जा हो जाता है। और जब कब्जा हो जाता है तब बुलाया जाता है पृथ्वीराज चौहान को कि आओ और हमारे साथ हम न्याय करेंगे तुम्हारा, और तुम्हारा क्या करना चाहिए। देखिए पृथ्वीराज चौहान जो था
ये शब्द विधि बाण चढ़ाया करता। शब्द विधि बाण मतलब आंखें मीच कर, आंखें बंद करके आवाज के द्वारा, सिर्फ आवाज के द्वारा किसी भी व्यक्ति को लक्ष्य भेदन किया जा सकता है, किसी भी लक्ष्य को ऐसे आंखें मीच मार दिया। इसको कहते शब्द विधि बाण चलाया करता था। तो उस समय जब ये बैठा था अपने इसमें गद्दी में, उस समय चंद्रबरदाई इस समय के कवि थे। कब? जब पृथ्वीराज चौहान और गौरी का युद्ध हुआ करता था, उस समय चंद्रबरदाई जो थे एक लेखक हैं जिनका बहुत बड़ा सारांश है पृथ्वीराज रासो, आपने सुने होंगे। मतलब वीरगाथा काल के कवि जो थे चंद्रबरदाई को भी माना जाता है सर्वप्रथम। तो चंद्रबरदाई उस समय जीवित थे। कब? पृथ्वीराज चौहान के समय पर। तो पृथ्वीराज चौहान जो था तो उस समय खड़ा था चंद्रबरदाई, तो उसने एक दोहा ऐसा मारा था कि सामने बैठा है सुल्तान, उठ चौहान मार दीवान। तो ऐसा मतलब दोहा कुछ बोला था जिसमें उसने मार दिया था। लेकिन कहते हैं कि मतलब कि कुछ ऐसे राइटर है, चंद्रबरदाई भी ऐसा लिखता है कि वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई, और प्रद्युम्न चौहान मतलब कि चौहान की मृत्यु नहीं बल्कि गौरी की हो गई। बस ऐसा नहीं था, चंद्रबरदाई तो उसका कवि था तो वो तो उसी की मतलब लिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं था, गौरी जीवित था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। साथ ही साथ इसको बंदी बनाकर वहीं उसकी हत्या कर दी गई चौहान की, और ये अपने साम्राज्य को निकल गया। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ न्यू छोड़ जाता है, कुछ ऐसी चीज छोड़ जाता है जिससे भारत का भाग्य बदलता चला जाता है। देखिए सबसे बड़ी बात ये आती है कि इसका एक गुलाम था, गुलाम का मतलब एक सेनानायक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, आपने नाम सुना होगा, जो कि ये गुलाम वंश का पहला शासक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी वंश का क्या था? शासक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, ये इसका गुलाम होता है और सेनानायक होता है, ये इसकी सेवा में रहता है। लेकिन मृत्यु से पहले इसको शासन दे जाता है भारत का, वो यहाँ शासन करता है। लेकिन इससे पहले और एक दो बता दूं कि अब भी जयचंद्र कहाँ बसने वाले हैं। जयचंद्र इतना ज्यादा धोखेबाज था, अब यहाँ पर उसको मित्रता का आश्वासन दे रहा था। किसको? गौरी को, मैं आपका मित्र हूँ और मैंने सहायता की है आपकी, आपने विजय प्राप्त की है। तो इसने गौरी का बहुत अच्छा फार्मूला था, बोल रहा था कि जब अपने अच्छे मित्र एवं अच्छे मतलब कि जीजा का तुमने साथ नहीं दिया तो क्या मेरा तुम कभी भी धोखा दे सकते हो, इसलिए उसको भी टपकाने का प्रयास कर मतलब काम कर दिया। इसने युद्ध किया कन्नौज में, कन्नौज में युद्ध हुआ 1194 में। कौन सा युद्ध माना जाता है ये? कन्नौज का गढ़वाल वंश में ये चंद्रावल का युद्ध जो होता है, चंद्रावल का युद्ध आपने सुना होगा, 1194 में चंद्रावल का युद्ध होता है और जयचंद्र की पराजय हो जाती है, उसकी हत्या भी कर दी जाती है गौरी के द्वारा। ये यहाँ चला जाता है मतलब टपक गया। फिर इसके पश्चात क्या होता है कि देखिए गौरी इतना खूंखार एवं खतरनाक मतलब शासक था कि ये किसी को भी नहीं बख्शता था। तो सोचो इसके सेनानायक कितने खतरनाक होंगे। देखिए बख्तियार खिलजी इसी का एक सेनानायक था, बहुत ज्यादा खूंखार था, हरामी भी था, ऐसा नहीं वो खराब था। तो देखिए यहाँ पर एक विद्यापीठ थी जो कि विदेशी काफी बड़े बड़े देशों से हमारे भारत में पढ़ने आया करते थे, शिक्षा लेने आया करते थे। कौन? अपने नालंदा विश्वविद्यालय में और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, यहाँ पर सबसे पहले विश्वविद्यालय भारत में ही बने थे। बौद्ध का सबसे ज्यादा बौद्ध धार्मिक शिक्षा जो दी जाती थी उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में दी जाती थी, और जो कि बिहार में पड़ता है नालंदा जिला में, वहाँ पर विश्वविद्यालय आज भी है, लेकिन वहाँ टूट टूट चुका है, वहाँ कुछ नहीं रह गया। इसी हिसाब से देखिए विक्रमशिला भी था, तक्षशिला भी था। तो देखिए ये वन वहां पर पहुंचा, पहुंच करके उसको विध्वंस करने का यहाँ पर किसको नाम आता है? बख्तियार खिलजी का नाम आता है। तो देखिए इसकी भी एक कहानी है, अगर कहानी सुनना चाहे तो सुन ले एक शब्द में। देखिए ये बीमार होने लगा था, कौन? मोहम्मद गौरी बीमार हो गया था। उस समय उसके वैद्य थे जितने भी हकीम थे वो फेल हो चुके थे, मतलब कि काम करने में उसका इलाज करने में कोई भी सक्सेस नहीं उनको प्राप्त हो रही थी। तब उसने क्या किया था कि नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति को बुलाया गया और बोला गया कि आप इनको मतलब कि ट्रीटमेंट कीजिए, इनका इलाज कीजिए, इसको सही कीजिए। तो देखिए वहाँ के हकीम जो थे वहाँ पर देखिए बौद्ध धार्मिक शिक्षा भी बहुत अच्छी दी जाती थी, लेकिन साथ ही साथ जड़ी बूटियाँ भी बहुत अच्छी खोजी जाती थी। इतना अच्छा वहाँ का विश्वविद्यालय का वातावरण था कि वहाँ जड़ी बूटियों का भी भंडारा था, लाखों करोड़ों में उनकी किताबें थी, उसमें ज्ञान समर्पित था, जिसकी वजह से वो हमारे भारत को कंट्रोल में रखता था। वहाँ के लोग ज्यादा विदेशी चीजों का सेवन नहीं करते थे,
विश्वविद्यालय से वहां से अनेक चीजें ऐसी उत्पत्ति होती थी, शायद ऐसा प्रकृति का वहाँ नेचर था जिसकी वजह से वहाँ आज भी किताबें देखिए कुछ मिल जाती है, उनमें ज्ञान भरा भरा है बौद्ध धर्म का। और जहाँ तक राइटरों का कहना है कि खिल्जी ने जब आग लगा दी थी तो 6 महीने बराबर आग सुलगी थी, इतनी किताबें थी वहाँ की पुस्तकालय में। तो खिल्जी ने वहाँ पर आग लगवाई थी, किस वजह से लगवाई थी, क्योंकि गौरी का उसने इलाज कर दिया। और शर्त भी ऐसी थी खतरनाक कि देखिए आपको इलाज करना है लेकिन विदाउट छुए, अगर आपने हमारे शासक को आपने छू लिया या फिर कुछ टच कर लिया तो आपका सर राम छुड़ा दिया जाएगा, लेकिन आप अगर आपने बिना छुए इनका इलाज कर दिया तो बहुत खुश होंगे। तो देखिए इन्होंने सिर्फ क्या किया था कि कुरान, जो कि कुलपति थे नालंदा के, तो कुरान को लेकर के आए थे और उनको दे दिया था कि लीजिए कुरान को रोज 4-4 पन्ने पढ़ते जाया करिए, बस इतना ही आपका काम। तो बिना छुए का मतलब उसको टच करना ना पड़े शासक को, हो जाए। और नालंदा के जो कुलपति थे उसने उन पन्नों में अपनी लेपन कर दिया था दवाई का, दवाई मतलब अपनी दवा जो उसमें लपेट दी थी कुरान में, जब कुरान में दवा लपेट दी थी तो रोज वो 4 पन्ने पलटाता था तो ऐसे चीख का जीभ में लेकर के फिर नीचे खिसकाता था, खिसकाने के पश्चात ऐसे करता जाता था जिससे क्या होता था उसके रोज उसकी डोज मिलती जा रही थी, जिभ्या से अंदर जाती रही, तो धीरे धीरे वो सही भी हो गया। तो पता क्या हुआ, वो खुशी होने की बजाय क्रोधित हो गया गौरी, कहने लगा कि मेरे हकीमों में एक भी दम नहीं है ऐसी कि बताओ कि मुझे सही कर पाए, लाला था हमारे हकीमों पर। तो उसने कहा कि हमारे सम्राट से ज्यादा कोई भी विद्वान नहीं हो सकता है, इस वजह से जाओ नालंदा विश्वविद्यालय को धसकाया हो। तो कुल मिलाकर बख्तियार खिलजी गया और यहाँ के जितने भी विश्वविद्यालय थे 2-3 उनको भी उसने जलाकर राख कर दिया, कि ये इसका विवरण मिलता है इस वजह से जलाया गया था। और साथ ही साथ देख लीजिए गौरी जो था इसके सिक्के चला करते थे, तो सिक्के कैसे चला करते थे, इसके सिक्के में एक तरफ तो लक्ष्मी की फोटो लगी रहती थी, दूसरी तरफ जो थी तो कलमा खुदाया रखा था। देख कलमा क्या है, कलमा उनके देवताओं का नाम है, फतवा कलमा ये सब नाम लिखे होते हैं, तो कलमा खुदाए रहते थे, मतलब उनकी आकृति बनी होती थी, एक तरफ लक्ष्मी की फोटो बनी रहती थी, दोनों मतलब की उनके लगता थी वो सिक्का चलवाया करता था। ठीक है, तो ये गौरी वंश का ये इतना काम था। साथ ही साथ मैंने बताया कि एक गुलाम अपना छोड़ गया था जब गया था यहाँ से, 1206 में इसकी मृत्यु अपने शासक वहाँ हो जाती है गौरी की सम्राट में जा करके, लेकिन यहाँ पर अपना गुलाम छोड़ जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक जब स्टार्ट होता है यहाँ से तो गुलाम वंश की नींव डाल देता है। देखिए इसमें गुलाम वंश के नींव का मतलब है कि गुलाम भी उत्पन्न होते हैं, क्या होता है कि अपने गुलाम को अपना दमान बनाओ फिर इसके पश्चात उसको शासक बनाओ, ये सिस्टम बराबर चलाता है गुलाम वंश में। आपने सुना रजिया सुल्तान और फिर इसके पश्चात नरीसुद्दीन बलबन, ये सब क्या है हमारे गुलाम वंश के शासक हैं, इनके बारे में बताऊंगा आगे। लेकिन कुछ सन देख लीजिए कि ये गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये जितने भी वंश हैं इन टोटली 5 वंशों को मिला करके दिल्ली सल्तनत का नाम दिया जाता है, कि दिल्ली में शासन करने वाले जितने भी वंश रहे तो 5 वंश रहे। तो 5 वंश में अनेक राजा हैं, ऐसा नहीं एक ही राजा हो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, इनमें एक एक मेन राजा रहा जो कि इन वंशों की नींव डाली किसी ने किसी राजा को मार करके, वो हम आगे भी बताऊंगा। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक रहा इसको तो बनाया गया, खिलजी वंश को जलालुद्दीन खिलजी, फिर गयासुद्दीन तुगलक, ऐसे ही मिला करके धीरे धीरे लोधी वंश का बैलोन लोधी, और लास्ट में जो था तो हमारे जो बाबर जो आए थे हमारे देश में, मतलब कि ये भी विदेशी था बाबर, तो लास्ट में लोधी वंश के शासक लास्ट पे सिकंदर लोधी था और दूसरा लोधी था, तो उस लोधी को हरा करके ये यहाँ पर बाबर ने अपना वंश स्थापित कर दिया था और यहाँ पर अपना शासन चलाने लगा था। तो इनका सन देख लीजिए, देखिए ये 1206 से चलता है दिल्ली सल्तनत और 1526 तक चलता है, और इसमें जितने भी राजा आए तो तुर्की एवं अफगानी आए थे, तुर्की एवं अफगानी राजा यहाँ पर आए, आकर के यहाँ पर वंश करने लगे, मतलब शासन करने लगे। पहला चला गुलाम वंश, कब से कब तक चला, तो 1206 से चला 1290 तक इसका शासन चला गुलाम वंश। लास्ट में गुलाम वंश की शासक की हत्या करके खिलजी वंश का शासक बैठ जाता है और उसका जो शासन चला 1290 से चला कहाँ तक, 1320 तक, 1320 तक इसका शासन चल जाता है। और तुगलक वंश जो होता है ये खिलजी वंश के शासक की हत्या करके
और यहाँ पर लेकिन ये भी इसके गुलाम हुआ करते थे, ऐसे ऐसे गुलाम ये अपने ही गुलाम मार दिया करते थे, ऐसा नहीं कि आक्रमण किया फिर किया, इन्हीं के गुलाम मतलब सपेले पाते थे और ये सब दिमाग से तो मतलब कि हराम हुआ ही करते थे, एक दूसरे को मारकर अपना शासन कर दिए, तख्त पलटने वाला सिस्टम, तो सब ये उनके गुलाम ही हुआ करते थे जो एक दूसरे को मार करके अपने अपनी जाति का या अपने धर्म का उद्भव कर देना ये चीज था। ठीक है, तो गुलाम के गुलाम गुलाम ने ही खिलजी वंश था तो इसके साथ सबको मारकर, खिलजी वंश के गुलाम ने तुगलक वंश था, तुगलक वंश को खिलजी वंश के साथ सबको तुगलक वंश मारकर बन गया, फिर सैयद वंश जो था ये तुगलक वंश का एक गुलाम था जो इसको मारकर बन गया, तो देखिए तुगलक वंश जो था 1320 से 1414 ईस्वी तक चला, फिर सैयद वंश आता है तो सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक इसका शासन चलता है, लास्ट में लोधी वंश, लोधी वंश जो होता है तो लोधी वंश 1451 से 1526 तक चलता है, 1526 में ये युद्ध हो जाता है पानीपत का, पानीपत में बाबर आ जाता है और अगर कि इनकी अच्छी धुलाई कर देता है, दिल्ली सल्तनत का झक कर देता है यहाँ से और यहाँ पर अपनी शासन की नींव डाल देता है। अब बाबर सम्राट को तो आप जान ही रहे हैं जिनको कहते हैं मुगल सम्राट, तो ये मुगल था और कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत से भी ये कॉन्टेक्ट रखता था आप समझिएगा, तो वो मैं बताऊंगा आगे कि ये किस वंश का भी था, तो हाखामनी वंश के बारे में मैं कभी ना कभी जिक्र कर दूंगा कि हाखामनी वंश से कुछ संबंधित था, दादी पोता कुछ लेकर भी था, तो ये मैं बता दूंगा बाबर के बारे में। तो बाबर जो था तो यहाँ पर 1526 में पैर रख देता है और रख करके यहाँ पर अपना स्थापत्य बना करके, और हुमायूं आता है, फिर हुमायूं अकबर आता है, अकबर को आप तो जानते होंगे, फिर धीरे धीरे इसका भी अंत लास्ट में 1757 में अंग्रेज ही करते हैं। इस प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं, मैं बता दूं पूरी तरीके से, फिर अंग्रेज आ जाते हैं 1757 में, इनका पूरी तरीके से मतलब खात्मा कर देते हैं और फिर अंग्रेज के पश्चात स्वाधीनता दिवस आ जाता है, मतलब स्वाधीनता के लोग आ जाते हैं, भारत के लोग स्वाधीनता होने लगते हैं, स्वाधीन होने लगते हैं जिससे कि भारत स्वतंत्र हो जाता है, फिर आधुनिक इतिहास में आ जाते हैं, गांधी जी आ जाते हैं, ये सब इतिहास। तो हम दिल्ली सल्तनत के एक एक राजाओं के बारे में धीरे धीरे जल्दी जल्दी पढ़ते चलेंगे, मैं एक कहानी के रूप में बता दिया हूँ। तो अब गुलाम वंश के बारे में पूरी टोटली काल लेते चल पढ़ेंगे कि गुलाम वंश में कितने राजा रहे, 5-6 राजा रहे, उनके बारे में बता दूंगा। तो धन्यवाद, इसी प्रकार से बने रहिएगा और साथ ही साथ देखते रहिएगा और इसको शेयर करना मत भूलिएगा, और जब तक शेयर नहीं करेंगे मैं ऐसे ही खड़ा रहूँगा क्योंकि मेहनत भी पड़ती है और हम प्रयास भी कर रहे हैं, अगर आपका कुछ बनता है थोड़ा शेयर करने में, शेयर में बटन जाएंगे और जाकर व्हाट्सएप में जाएंगे, व्हाट्सएप पर फिर यहाँ से एक दो बंदों को शेयर कर देंगे, अगर वो बंदा देख लेता है तो उसमें होगा क्या कि वो ज्ञान ही प्राप्त होगा, कोई अज्ञानता वाली चीज़ तो बता नहीं दी जिसमें वो कहेंगे नहीं मैं बहुत बेकार टाइम बर्बाद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं, तो कुछ ज्ञान ही था इतिहास के बारे में जानो। साथ ही साथ देखिए मैं जितना भी प्रयास करूँगा अभी हिंदी का भी सेशन लेता चलूँगा, इसका भी क्रमवार चलाता चलूँगा, दिनेश सर की अभी मैथ की और साइंस की क्लास चलने वाली है, उनको भी बहुत बेहतर से देखिएगा, वो भी बेसिक चलेंगे, बेस चीज़ लेकर चलेंगे, और हिंदी के साथ साथ में अगर भूगोल रहेगा तो भूगोल को भी उठा लूँगा क्योंकि भूगोल ज्ञान कराना भी आवश्यक है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो बने रहिए साथ साथ ही देखिएगा, और भी कोई दिक्कत हो, कोई ऐसे क्षेत्र पूछना हो जिसमें आपको लगता हो कि बेस पढ़ना है हमको इसके बारे में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको भी कहीं ना कहीं चेक करते चलेंगे। तो धन्यवाद, बने रहिए, धन्यवाद।